डियर स्टूडेंट्स, आज हम बाइनरी सिस्टम के बारे में जानेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है। किसी भी डेटा और इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जीरो और वन के फॉर्म में डेटा को हम लोग रखते हैं। यानी कंप्यूटर हमारा जो लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश या और किसी लैंग्वेज को नहीं समझ पाता है, वह किसी भी डेटा को जीरो और वन के फॉर्म में लेता है। जीरो का मतलब ऑफ और वन का मतलब क्या होता है? ऑन। जीरो का मतलब ऑफ और वन का मतलब ऑन। यानी किसी भी डेटा को स्टोर करेगा जीरो और वन के फॉर्म में। जीरो का मतलब ऑफ और वन का मतलब ऑन। इसी प्रकार कंप्यूटर की मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट्स कहलाती है, जो जीरो और वन से मिलकर बनी होती है। जीरो और वन से मिलकर कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो और वन इज कॉल्ड बीट, BIT, बीट। अब इसी तरह से जब 8 बीट मिलते हैं तो 1 बाइट बनता है। 8 बीट मिलता है तो 1 बाइट। बीट कंप्यूटर की मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। जब 8 बीट एक साथ मिल जाते हैं जीरो और वन के फॉर्म में, यानी ऑन और ऑफ के फॉर्म में 8 बीट जब मिलता है तो क्या बनता है? 1 बाइट बनता है। 1 बाइट, BYT, बाइट। अगर 4 बिट्स मिलते हैं तो 1 निबल बनता है। 4 बिट्स बराबर 1 निबल। 4 बिट्स इक्वल 1 निबल। 8 बिट्स इक्वल 1 बाइट। 8 बिट जब स्पेस लेता है तो कितना बाइट बनता है? 1 बाइट बनता है। अगर कंप्यूटर मेमोरी हमारे 8 बिट्स ले रही है तो उसका पैमाना क्या है? यहाँ पर 1024 बाइट, यानी 1024 बाइट्स अगर यहाँ पर मिल जाए तो क्या बनेगा? 1 किलो बाइट बनता है। 1024 KB, 1024 किलो बाइट बनने के मिलने के बाद 1 मेगा बाइट क्या बनेगा? 1 मेगा बाइट। 1024 MB, 1024 MB जब मिलेगा तो 1 गीगाबाइट। लोग कहते हैं गीगाबाइट, GB क्या होता है? तो जब 1024 MB इतना स्पेस जब यूज होगा तब 1 GB यानी 1 गीगाबाइट बनता है। 1024 GB मिलकर 1 टेराबाइट, यानी 1 टेराबाइट, यानी गीगाबाइट से भी बड़ी यूनिट है। 1024 TB इक्वल 1 पेटाबाइट। 1024 PB इक्वल 1 एक्साबाइट। 1024 EB इक्वल 1 जेटाबाइट। और 1024 ZB जब मिलेगा तो क्या बनेगा? 1 योटाबाइट। 1024 YB मिलेगा तो 1 ब्रोंटोबाइट क्या होगा? 1 ब्रोंटोबाइट। 1024 BB मिलकर 1 जेप्ट बाइट बनता है। यह कंप्यूटर की मेमोरी है। यह कंप्यूटर की स्पेस कितना स्पेस ले रहा है इसके बारे में हम इस पैमाने से किसी भी चीज़ को स्टोर करते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में किसी भी डेटा को जीरो और वन के फॉर्म में लेता है। जीरो का मतलब ऑफ और वन का मतलब ऑन। जब 8 बिट्स मिलते हैं तो क्या बनता है? 1 बाइट। अब बिट्स कैसे बनते हैं? कम्बिनेशन ऑफ जीरो एंड वन, जीरो और वन के कम्बिनेशन को क्या कहते हैं? बिट्स कहते हैं। 8 बिट मिलेगा तब जाकर 1 बाइट बनेगा। अगर इसका 8 बिट का आधा रहेगा यानी 4 बिट्स रहेंगे तो 1 निबल होगा। अगर 8 बिट नहीं रहेगा तो 1 बाइट नहीं बनेगा। तो इस प्रकार के नंबर सिस्टम को हम यहाँ से यहाँ तक जानेंगे। मेरे अगले वीडियो में इसी से संबंधित चीज़ों को आपको बताया जाएगा। इसलिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए, नई नई चीज़ों को देखते रहिए, समझते रहिए। थैंक यू।